और अभी आपको बताएं, पंजाब और सिंध के किसानों के लिए खुशखबरी है। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी में इजाफा कर दिया है। मजीद जानेंगे अवैस कयानी से। अवैस, आगाह कीजिएगा, किसानों के लिए खुशखबरी है, पंजाब और सिंध के लिए पानी की फराहमी में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, दरियाओं में जो पानी की जो आमद है वो 70,200 क्यूसिक होगी, जिसके बाद इरसा अथॉरिटी का एक अहम इजलास हुआ है और उसमें पंजाब और सिंध को जो पानी की सप्लाई है उसमें इजाफे का फैसला किया गया। और अब पंजाब को पानी की जो फ्राहमी है वो 26,700 क्यूसिक कर दी गई थी और सिंध को पानी की फ्राहमी जो है वो 13,000 से बढ़ाकर 17,000 क्यूसिक कर दी गई है। और जो केपीके को वही 2,400 क्यूसिक और गुजरात को 3,000 क्यूसिक पानी फ्राहम किया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा गुजरात के पीछे हिस्से का पूरा पानी तो फ्राहम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पंजाब और सिंध को जो है 54% जो है पानी की शॉर्टफॉल का सामना है। लेकिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो पानी का जो इजाफा जो सुबह के पानी की फ्राहमी में जो इजाफा किया गया है इससे जो किसान जो तबका है उसको काफी जो है वो जो इससे सहूलत मिलेगी कि जो पानी जो फसलों को जो जरूरत था उस हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब पानी की जो फ्राहमी वो बढ़ा दी गई। पर इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इसी माह के आखिर में जो है दरियाओं में मजीद पानी में जो है के बहाव में इजाफा होगा और जो 54% जो शॉर्टफॉल है वो भी मजीद जो है वो उसमें कमी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैसा आपका।